हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रसोई। आज मैं ताजी हरी मटर की एक बहुत ही टेस्टी चटपटी मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम मटर फ्राई या फिर छुकी हुई मटर के नाम से भी जानते हैं। इसके सारे इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। बहुत ही कम चीज़ों से ये बन जाती है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसमें जीरा ऐड करेंगे और साथ हरी मिर्च और जिंजर भी ऐड कर देंगे। मिर्च और अदरक की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा मात्रा बढ़ा दें, नहीं तो कम कर सकते हैं। इन तीनों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, फिर इसमें हरी मटर ऐड कर देंगे धुली हुई। चलाएंगे इसे दो बार तीन बार, फिर इसमें नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे और काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और फिर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। फिर खूब अच्छे से चला देंगे इसे, फिर ढक कर 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में इसे पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब लिड हटाएंगे और अपनी मटर को चेक करेंगे। मटर तो अच्छे से गल गई है, थोड़ा सा और चला देंगे इसको। अब इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे ताकि नींबू अच्छे से मटर में मिल जाए। हरी धनिया भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा तेज आंच पर चलाएंगे ताकि इसका फ्लेवर मटर में अच्छी तरह से आ जाए। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये तैयार हो गई है। ये लीजिए मेरी चटपटी छुकी हुई मटर फ्राई, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अभी मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनती है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान और कम टाइम में बन जाने वाली डिश है। बच्चे भी बड़े भी सभी को खूब पसंद आएगी ये डिश। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सारे वीडियोस देख सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।